पढ़ रहे थे आप? विराजिए प्लीज, सहयोग करें। सभापति महोदय, आपने मुझे कोई पॉलिसी मैटर में बोलते, थाने की डायरिया पढ़ रहे हो बैठे। मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, गृह और कारागार पर चर्चा हो रही है। पिछले 4 साल से प्रदेश में जिस गांधी की पार्टी की सरकार काम कर रही है, जिसके पायक श्री अशोक गहलोत जी अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, इस सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हुए, चाहे वो कोरोना का समय आया हो, और जिस तरह से आम आदमी अपने आप को बहुत ही सुरक्षित समझता है, वो केवल केवल राजस्थान में समझता है। जिस तरीके से मैं लगातार 3 घंटे से सुन रहा था, छुटपुट घटनाओं का जिक्र हमारे विरोधी साथी कर रहे थे, वो अवसर इन लोगों को कभी नहीं दिया। जब जब हमारी सरकार आई, रावड़ा गड़साने की किसानों के साथ जो घटना हो, गुजर आंदोलन में घटना हो, ऐसा कोई अवसर इनके पास कभी इनको मौका नहीं दिया। जिसलिए इन्वेस्ट राजस्थान की बड़ी बड़ी कंपनी भी MOU करने के लिए राजस्थान आती है इन्वेस्ट करने के लिए। ये विश्वास किसी ने दिया है? राजस्थान की सरकार ने दिया है। आज पिछले बजट से लगातार पुलिसिंग में नवाचार करने का माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे, क्योंकि आज के ज़माने में साइबर अपराध बहुत ज़्यादा हो गए। प्रत्येक जिले स्तर पर साइबर थाने खोलने की घोषणा हुई, साइबर थाने भी काम करने लगे, RPS अधिकारी लगाए गए। उसके साथ साथ अनेक तरह के अपराध जो हो रहे, अपराध का मूल कारण होता है नशा प्रवृत्ति। नई पीढ़ी में, नौजवानों में जो नशा प्रवृत्ति की बात आ रही है, जिससे अपराध बढ़ रहे, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उस नशा प्रवृत्ति को भी कम करने के लिए प्रत्येक जिले स्तर पर नशा मुक्ति का केंद्र खोलने की भी घोषणा इस बजट में करी है, ताकि नशा अपराध का मूल कारण होता है, ग्रामीण क्षेत्र में ढाणियों में नशा अपराध करा के बैठ जाता है। इसलिए कई कदम सरकार ने उठाए, और पहला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, माननीय सभापति महोदय, अनिवार्य FIR दर्ज करने का पहला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। चाहे उसका परिणाम कुछ भी आए, FIR दर्ज होनी आवश्यक है। इस तरह का चाहे मुकदमे की संख्या बढ़े, कोई परवाह नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया। इसी बजट में प्रदेश में शांति सद्भाव का संदेश घर घर कैसे पहुंचे, इसको लेकर के 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाना माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, ताकि जो हर शहरी और गांव ढाणी में वार्ड में जाकर के वो प्रेरक बनेंगे, पुलिसिंग की मदद करेंगे, जिससे अपराध कम हो, अपराध की जानकारी त्वरित रूप से मिले, अपराध की तफ्तीश त्वरित रूप से हो। इस तरह से कई नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी लाए, इसलिए प्रदेश में आज शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। अप्रिय घटना घटित होने पर त्वरित कैसे पहुंचे, इसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेगी। 500 पुलिस मोबाइल का गठन होगा, जो सर्विस मॉडल यूनिट्स 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर काम करें, ताकि त्वरित आदमी को उसको न्याय मिल सके। त्वरित कोई घटना घट जाती है, उसको हाथों हाथ उसका न्याय मिल सके, इलाज की जगह इलाज हो सके। इस तरह से अपराध के साथ साथ किसी को घटना हो जाए, चोट ज़्यादा आ जाए, तो भी उसका साथ साथ इलाज हो जाए, ऐसा नवाचार माननीय मुख्यमंत्री ला रहे हैं। अब एक कमांड फोर्स पहले से काम कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसके CC कैमरों की संख्या भी 5 लाख बढ़ाई है। इस तरह के कई तरह की इस तरह के एक एक ड्रोन की कैमरा भी काम करता रहेगा, इस तरह के, ताकि कोई अपराध हो, चोरी की घटना, कोई वारदात हो, तो त्वरित मुलजिम पकड़ में आ जाए, कानून व्यवस्था मजबूती हो। इसलिए एडिशनल SP ऑफिस हो, DVSP ऑफिस हो, थाने हो, चौकिया हो, अनेकों सरकार ने खोले पिछले 4 साल में। इसलिए कानून व्यवस्था राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस की कानून व्यवस्था मजबूत है। इसलिए आज पुलिस की कोई भी शहर में हर आदमी UP से, हरियाणा से, दिल्ली से यहाँ बसना पसंद करता है। पसंद इसलिए करता है क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था माकूल है। इसलिए चाहे वो इन्वेस्ट हो और रोजगार का मामला हो,
प्रत्येक जिला स्तर पर 24 घंटे काम करने वाली विशेष तकनीक योग्यता भी वाली क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। इसलिए कई तरह के नवाचार, नशे की समस्या हो, संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स एंटी ड्रग्स चौकिया की स्थापना की घोषणा करी है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा का जो मामला बार बार विरोधी साथी बार बार इस बात को ला रहे हैं, उसके लिए अमेंडमेंट, कानून में अमेंडमेंट पहले हुआ है और SOG के साथ साथ भी स्पेशल आधुनिक सशस्त्र संसाधित STF की भी घोषणा करी है। इतनी मजबूत तरीके से हर जगह पेपर लीक हो रहे, दूसरे प्रदेशों में भी माननीय सभापति जी हो रहे, लेकिन राजस्थान में जो जिस तरीके से कानून में संशोधन लाने की बात हो, चाहे स्पेशल फोर्स की गठन करने की बात हो, SOG के साथ साथ में जो मजबूती से जो अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं, केवल मात्र राजस्थान में है। इसलिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरीके से पुलिसिंग एक अपराधियों के प्रति लोगों के और पुलिस के प्रति लोगों का एक भाव हो, सुरक्षा महसूस करे, ऐसा महसूस होना सरकार की बहुत जिम्मेदारी से काम हो रहा है। जिसके साथ साथ दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कई बार मेगा पुलिस स्टेशन की बात होती है, परिकल्पना ही मात्र है जिसमें ऐसा हो रहा। मेरा एक सुझाव है सभापति महोदय कि लॉ एंड ऑर्डर की विंग अलग हो और अपराध की विंग अलग हो, ताकि समय उसको वही साधन और समय त्वरित कार्य हो सके। दोनों विंग अलग अलग हो जाओ, लॉ एंड ऑर्डर की और अपराध की क्राइम की, ताकि व्यवस्थित रूप से काम हो जाए, त्वरित रूप से काम हो सके। यह भी मेरा सुझाव सभापति महोदय रहेगा। पुराने थाने में पुराने हिसाब से कम स्टाफ है, नए थानों के हिसाब से स्टाफ व्यापक रूप से हो, उसमें भी इस तरह से कमांड सेंटर तो जो कि जिला मुख्यालय पर है, उसको भी कम से कम SDU स्तर पर भी हो, ताकि ये छोटे SDU स्तर पर है, बड़े कस्बे है, उसमें भी CCTV कैमरे, अबे कमांड फोर्स का छोटे छोटे सब चौकी हो, ताकि अपराध में कमी आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, और जिसके साथ साथ ही जो साइबर अपराध रोकने के हर जिले में साइबर थाना स्थापित किया है, साइबर अपराध रोकने DG की पोस्ट भी अलग से इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री पोस्टिंग भी हो गई है, तरीके तरह कई नवाचार लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन की इकाइयाँ सब डिवीजन, DYSP वर्त और पंचायत समिति तहसील के एक ही उसका परिक्षेत्र एक ही हो, इसलिए मैंने पिछले बजट में भी मांग रखी थी कि पुनर्सीमांकन करके थानों की, कई गांव ऐसे होते हैं कि थानों के एकदम समीप होते हैं और जबकि दूसरा थाना लगता है उसका दूसरा, इसलिए 1-3 किलोमीटर पे कई गांव आते हैं एक थाने के समीप और जबकि थाना का हल्का लगता है 30 किलोमीटर दूर, इसलिए इसका पुनर्सीमांकन भी हो, ताकि एक व्यवस्थित रूप से समय पर पुलिस पहुँच सके। इस तरीके से कहना चाहूँगा सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भी थाना लोहावट, मतोड़ा, देचू व भोजसर का पुनर्सीमांकन किया जाए, ताकि एक व्यवस्थित रूप से एक छत के नीचे नज़दीक रूप से 1-3 किलोमीटर वाला आदमी 30 किलोमीटर नहीं जाना पड़े, इस तरीके से पुनर्सीमांकन हो, ताकि और मेरे क्षेत्र में आऊ जो पुलिस चौकी है वो स्टेट हाईवे, चारों तरफ स्टेट हाईवे है, अभी SDU हेडक्वार्टर भी बना है, तो अभी थाने में कर्मरत कराने की मैं मांग रखूँगा। पुलिस थाना लोआउट का जो कस्बे के अंदर है, तो हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर उसका थाने का भवन बनाया जाए, ताकि त्वरित रूप से आवागमन में सुविधा रहे। इसी के साथ साथ आप सबसे सभी लोगों जो अपने बड़े विचार रखे, इसमें मेरा विचार है कि जो ये मांग, अनुदान मांग 18 है, इसको पारित किया जाए और जो पुलिसिंग व्यवस्था में एक नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ और इसको मांग के समर्थन में मेरी बात रखता हूँ। धन्यवाद जय श्री पुखराज गर्ग।